राजस्थान के बारां छिपाबदौड़ उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत बंजारी के ग्राम मोतीपुरा कलां गांव में इन दिनों बरसात के समय से आम रास्ते में बह रही पानी से खरंजे पर फिसलन बुरी तरह से जम रही है, जिसमें होकर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। जिला परिषद सदस्य मास्टर प्रेमचंद मीणा ने जानकारी देते हुए बताया गया कि मोतीपुरा कलां गांव दो अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जो मर्ज सुरक्षा दीवार सीसी रोड 250 मीटर की दूरी एवं स्वर्गीय बिहारी लाल मीणा की स्मृति में बनी खेल से लेकर पुल जिला परिषद सदस्य मान सिंह मीणा के मकान तक 250 मीटर एवं आगे कालू राम के मकान से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तक खराब हो चुका है। जी नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह सिरोही, आप देखिए मेरे साथ डेली भारतीय न्यूज। आज हम हैं एक ऐसे गांव में जहां पर लंबे समय से पानी जो बह रहा है और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ये इसमें फिसलन हो चुकी है और इस फिसलन की वजह से कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। ये गांव दो भागों में बटा हुआ है, मोतीपुरा गांव है जो दो भागों में बटा हुआ है, और आप देख सकते हो किस तरीके से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए आप एक मिनट, गांव की मेन समस्या क्या है सर, जिसको लेकर यहाँ पर लोगों को ज़्यादा ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मेरे गांव में मतलब स्कूल तक जो लिंक रोड है, गांव मेरा दो भागों में बटा हुआ है, तो बीच में जो नाला पड़ता है उसकी वजह से मतलब बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे। गवर्नमेंट ने तो मिडिल स्कूल खोल रखा है और स्टाफ भी है, लेकिन बच्चों की संख्या के नाम पर यहाँ मतलब बिल्कुल भी बहुत कम 20 बच्चे मुश्किल से होंगे। कारण कि अभिभावक मतलब ऐसी रिस्क उठा करके अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, उसका कारण है बीच में नाला समानांतर 500 मीटर करीब वो बहता है और वो 3-4 महीने तक बाधित रहता है और उसके बाद कजी छा जाती है। इस तरह से मतलब 7-8 महीने तक वो डिस्टर्ब रहते हैं, इसलिए बच्चे मतलब आए थे ही नहीं स्कूल। मेरे गाँव में शिक्षा का मतलब बहुत ही ज़्यादा हाल बेकार हो गया है इस स्कूल वहाँ बनने से। क्या स्कूल तो सही जगह बना हुआ है, लेकिन ये नाले की समस्या बार बार उठाई गई है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।